हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज हम बात करने आए हैं एमपी पीएनएसटी बीएससी नर्सिंग के बारे में। मध्य प्रदेश के जितने भी स्टूडेंट जो ट्वेल्थ साइंस में हैं या जो ट्वेल्थ साइंस से कर चुके हैं, उनके लिए मेडिकल लाइन का सबसे बेस्ट और सबसे बेहतरीन कोर्स जिसका नाम है बच्चों बीएससी नर्सिंग। अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है, और आप अगर अभी ट्वेल्थ में हैं, तो बच्चों आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के अंदर बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए एक एग्ज़ाम लगता है और उस एग्ज़ाम को बोलते हैं बच्चों पीएनएसटी। ये पीएनएसटी एक प्रकार का प्री नर्सिंग एग्ज़ाम है बच्चों, प्री नर्सिंग टेस्ट है, और ये टेस्ट देने के बाद आपका गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन हो जाता है। और अगर सरकारी कॉलेज में बीएससी नर्सिंग का एडमिशन होता है तो इसका मतलब है लगभग 7 से 8 लाख रुपए की प्राइवेट कॉलेज की फीस आपकी बच जाती है। बच्चों मध्य प्रदेश के अंदर जो बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा लगती है, ये लगती कब है और इसका सिलेबस क्या आता है? तो ये जो टेस्ट लगेगा बच्चों, वो लगभग आपका जो है मध्य प्रदेश में अप्रैल मंथ में लगने वाला है, अप्रैल 2023। अब बच्चों इसके फॉर्म आपके मार्च में आने की संभावना है। अगर हम बात करें इसके सिलेबस की, सिलेबस क्या रहेगा, तो बच्चों यह जो एग्जाम लगेगा इसमें सिलेबस के रूप में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटनी, जूलॉजी और इंग्लिश ग्रामर, ये 5 सब्जेक्ट होने वाले हैं। प्रत्येक पोर्शन से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों, तो आपका जो पेपर होगा वो टोटल होने वाला है 150 नंबर का। 150 नंबर के इस पेपर में बच्चों 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है और पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आता है। जितने भी मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये खुशखबरी है कि मेडिकल लाइन का एमबीबीएस के बाद दूसरा सबसे बड़ा पाठ्यक्रम जिसमें आप बहुत ही आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। अब आप पूछोगे, सर हम इस कोर्स की तैयारी कैसे करें, हम गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए सर इस सिलेबस को कैसे पढ़ें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर बॉटनी और जूलॉजी, ये सब्जेक्ट कैसे पढ़ें, पेपर का पैटर्न तो सर हमें मालूम ही नहीं है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, आप अगर इसकी तैयारी करना चाहते हैं, एक कंप्लीट और व्यवस्थित तैयारी करना चाहते हैं, तो आप बच्चों विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिए। विजय एजुकेशन ऐप पर बच्चों ब्रह्मास्त्र के नाम से एक बैच है और आप इस ब्रह्मास्त्र बैच को ज्वाइन कर लीजिए। इस ब्रह्मास्त्र बैच के अंदर आपको लाइव क्लासें, टेस्ट सीरीज, नोट्स, मॉडल पेपर, सारी चीजें एमपी पीएनएसटी से रिलेटेड मिलने वाली है। बच्चों इस बैच के अंदर क्लास कब शुरू होगी, तो क्लास अभी इसी सप्ताह में शुरू हो रही है। तो अभी बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ाने वाले हैं, आपका सिलेबस भी पीछे नहीं छूटा है, बिल्कुल शुरुआत से पढ़ेंगे। 11th और 12th एनसीईआरटी का आपका जो है पेपर पैटर्न रहने वाला है। तो बच्चों इस बैच में जुड़ने की फीस केवल और केवल 890 रुपए है, ये एक साल की फीस है कंप्लीट, ठीक है। आपका जब तक अप्रैल या मई महीने में जो एग्जाम होगा तब तक ये बैच आपका चलता रहेगा। अब बच्चों देखिएगा, इस बीएससी नर्सिंग के बैच के अंदर अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो पेमेंट कैसे करेंगे, तो पेमेंट या तो बच्चों आप ये विजय एजुकेशन ऐप है इस ऐप को सीधा डाउनलोड कर लीजिए। जब आप इस विजय एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो ऐप के ऊपर ही बच्चों ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐप में आपको लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, नोट्स, ये सारी सुविधा मिलेगी।
और दूसरा तरीका यह है कि आप बच्चों हमारे इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे या पेटीएम करवा सकते हैं और हमारी जो टीम है बच्चों वो आपका कोर्स एक्टिवेट कर देगी। नंबर क्या है एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 9828721229। दूसरे नंबर है 8302199394। आप इन नंबरों पे फोन पे, गूगल पे या पेटीएम करवा सकते हैं और फिर आप हमारी इस टीम को कॉल कर दीजिए, हमारी टीम भी आपका ऑनलाइन कोर्स चालू कर देगी। बच्चों अगर मैं 2022 की बात करूं तो 2022 के अंदर विजय एजुकेशन ने बच्चों टोटल 1000 से भी ज़्यादा बच्चों को सिलेक्शन दिलवाए हैं। एमपी के जो 1000 से भी ज़्यादा बच्चे विजय एजुकेशन ऐप से पढ़ाई कर रहे थे वो आज टॉप गवर्नमेंट और टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर स्टडी कर रहे हैं। तो मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि आपका भी सपना अगर गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने का है बच्चों तो आप भी जुड़ सकते हैं ब्रह्मास्त्र 20 बैच से। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप विजय एजुकेशन ऐप में एक बार कॉल ज़रूर करें, यह आपकी हेल्पलाइन है बच्चों, आप इस पर कभी भी कॉल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।